हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुकेशन हबानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारी रचना लगातार चल रही है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जिसके रचनाकार है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से स्त्री शिक्षा के विरोधी उन्होंने कुतर्क प्रस्तुत किए हैं तीन बिंदुओं के माध्यम से। आज हम पढ़ेंगे कि उन बुरे विचारों का खंडन द्विवेदी जी ने किस प्रकार किया है। तो पेज नंबर 62, अपनी किताब का पेज नंबर 62 सभी निकालेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखिए पेज नंबर 62 पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि द्विवेदी जी ने उन बुरे विचारों का खंडन किया है। सभी अपनी किताब में ध्यान देंगे। देखिए पाठ की शुरुआत होती है इस तरह की दलीलों का। दलील का मतलब आपको पहले भी बताया जा चुका है, विचार, बहुवचन है ये तो विचारों, यानी तीन विचार जो प्रकट किए थे, प्रस्तुत किए थे विरोधियों ने, उनके लिए आया है। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर क्या है? उपेक्षा। उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अनादर। कठिन शब्द साथ साथ लिखेंगे, उपेक्षा, अनादर या निरादर। क्या होते हैं ये अनादर और निरादर? जिसका कोई आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, ठीक है, उन्हें अनादर या निरादर कहा जाता है। यानी इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली जो उत्तर है वो क्या है? उपेक्षा। तथापि फिर भी हम दो चार बातें उनके बारे में, उनके विरुद्ध लिख देते हैं। नाटकों में, देखिए लेखक कहता है कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत भाषा बोलना उनके अपढ़, अपढ़ शब्द का अर्थ होता है जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अर्थात अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्रमाण शब्द का अर्थ है सबूत। देखिए हमने आपको बताया था कि प्राकृत भाषा पहले प्राचीन समय की एक सर्वसाधारण भाषा मानी गई है। पहले दो भाषाएं चला करती थी, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही बोली जाती थी, जबकि सर्वसाधारण के द्वारा जो भाषा बोली गई है वो कौन सी थी? प्राकृत। लेकिन विरोधियों ने साफ कहा था कि प्राकृत भाषा बोलना, प्राकृत भाषा में स्त्रियों को पढ़ाना, उनको बर्बाद करना है, उनका सर्वनाश करना है, या उनके और उनके घर का जो सुख था उनको नष्ट करना है। जबकि द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राकृत भाषा में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करना ये अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि प्राकृत भाषा कैसे लोगों की भाषा नहीं है? पढ़े लिखों की भाषा। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे, यानी प्राचीन समय की स्त्रियां, संस्कृत न बोल सकती थी, यानी उनमें क्षमता नहीं थी, उनमें योग्यता नहीं थी, या उन्हें संस्कृत भाषा का नॉलेज नहीं था। संस्कृत न बोल सकना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है। जैसे आज हम अधिकांश जो जन समूह है वो हिंदी भाषा बोलता है, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखता, हिंदी भाषा में पढ़ता है। अंग्रेजी भाषा कुछ लोगों के द्वारा ही बोली जाती और समझी जाती है। यदि आज के समय में हिंदी भाषा बोलने वालों को हम गंवार कहे, अनपढ़ कहे, तो यह बात शोभनीय नहीं है। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी प्राकृत भाषा ही सभी लोगों के द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा न बोलना अनपढ़ होने का सबूत नहीं है, और न उनके गंवार होने का, यानी उन्हें गंवार भी नहीं कह सकते जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। इसके बाद द्विवेदी जी हर एक कदम पर प्रसन्न रखते हैं विरोधियों के सामने। उसके बाद अब उनके मुंह से उगलवाते हैं, विरोधियों के मुंह से उगलवाते सारी बातें। अच्छा, तो रामचरितमानस यानी उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? देखिए यहाँ एक प्रश्न पैदा किया है द्विवेदी जी ने विरोधियों के सामने कि बताइए उत्तम रामचरितमानस में ऋषियों की जो वेदांत वादिनी जो पत्नियां हुई है, वेदों की जानकार, जिन्होंने वेदों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बताइए वो कौन सी भाषा बोलती थी? देखिए बेटा, सभी जो पत्नियां थी, ऋषियों की पत्नियां, वो प्राकृत भाषा ही बोलती थी, क्योंकि उस समय अधिकांश जो भाषा बोली गई है, समझी गई है, जानी गई है, जिस भाषा का महत्व था वो कौन सी भाषा रही है? प्राकृत भाषा। इसके आगे चलता है उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? देखिए यहाँ
प्रसन्न है, प्रसन्न शैली का बोध हुआ है कि उनकी भाषा जो थी वो, उनकी जो संस्कृत थी वो क्या गंवारी संस्कृत थी, उस संस्कृत को प्राकृत भाषा के रूप में जाना गया है। भवभूति और कालिदास, भवभूति ये महान विभूतियाँ हुई है प्राचीन समय में, भवभूति और कालिदास आदि के जो नाटक थे जिस जमाने के, प्राचीन जमाने के हैं, प्राचीन समय के, उस जमाने में शिक्षितों का यानी पढ़े लिखों का जो समस्त समुदाय था वो भी कौन सी भाषा बोलता था, संस्कृत भाषा बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ होने का सबूत, या देखिए उनको अपने जाल में फंसाने का कार्य किया है द्विवेदी जी ने कि प्राचीन समय में कालिदास और भवभूति महान विचारक हुए हैं, महान विभूतियां हुई हैं, रचनाकार हुए हैं, क्या उनके नाटक जिस जमाने के रचे हैं क्या वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इसका सबूत आप हमें दो। विरोधियों से सबूत मांगा है द्विवेदी जी ने, यदि आप हमें सबूत लाकर दोगे कि उनके समस्त नाटक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं तो हम भी आपको प्राचीन समय की स्त्रियों का सबूत दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे सबूत कोई मिलने वाले है नहीं, जब सबूत ही नहीं मिलेंगे तो द्विवेदी जी भी अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा गया है, अपनी किताब में देखें सभी, कि इसका प्रमाण पहले कोई दे तब ले प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अनपढ़ बताने का क्या करे, साहस करे। इनका इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। देखिए यहाँ प्रसन्न शैली का बोध हुआ है बार बार, प्राचीन जमाने में बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत ही थी। द्विवेदी जी कहते हैं विरोधियों से कि आपके पास सबूत है क्या कि प्राचीन जमाने में, प्राचीन समय में बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत नहीं थी, ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते। सबूत मिलते हैं तो सारे प्राकृत भाषा के मिलते हैं, नाटक मिलते हैं तो अधिकांश प्राकृत भाषा के मिलते हैं, ठीक है। आम बोलचाल की भाषा यदि देखी जाए तो भी प्राकृत भाषा में ही, प्राकृत भाषा का ही एक तरह से दबदबा था, बोलबाला था। संस्कृत भाषा जो थी वो नाममात्र थी, पढ़े लिखों की गिने चुने भाषा यानी कुछ गिने चुने लोगों की क्या थी, भाषा जो नाटकों में भूमिका अदा किया करते थे। सबूत तो प्राकृत के चलन के मिलते हैं, द्विवेदी जी ने साफ कहा है कि सबूत जो भी हमें मिलते हैं इतिहास के अनुरूप वो प्राकृत के चलन के मिलते हैं कि प्राचीन समय में जो मुख्य भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा नहीं होती तो बौद्धों तथा जैनों के द्वारा हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत भाषा में क्यों उपदेश देते। देखिए बात साफ हो गई है कि यदि प्राकृत भाषा अनपढ़ और गंवारों की भाषा होती तो प्राचीन समय में जो बौद्ध लोग थे, जो जैनी लोग थे, वो अनेक, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, वो सब किस भाषा में की है, प्राकृत भाषा में की है। यदि प्राकृत भाषा अनपढ़ गंवारों की भाषा होती तो उनकी अक्ल नहीं मारी गई थी जो प्राकृत भाषा में अपने नाटकों की उन्होंने क्या की है, रचना। भगवान शाक्य मुनि हुए हैं, उन्होंने भी अपने चेलों को, अपने शिष्यों को प्राकृत भाषा में ही ज्ञान प्रदान किया था। यदि प्राकृत भाषा अनपढ़ और गंवारों की भाषा होती तो क्या वो अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते। तो इस प्रकार से बार बार द्विवेदी जी उन विरोधियों से प्रश्न करते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की क्या थी, भाषा। देखिए बौद्ध जो लोग हुए हैं उनका एक ग्रंथ चला है त्रिपिटक ग्रंथ, जिस प्रकार से रामायण है, महाभारत है, कुरान है, उसी प्रकार से बौद्ध लोगों का एक ग्रंथ चलता है त्रिपिटक, और त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई है प्राकृत भाषा में क्योंकि प्राकृत भाषा सर्वसाधारण की भाषा थी, सभी लोग उसको पढ़ सकते थे, सभी लोग उसको समझ सकते थे और सभी लोग उसका अर्थ ग्रहण भी कर सकते थे। यदि प्राकृत भाषा गंवारों की भाषा होती, अनपढ़ों की भाषा होती तो त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में कभी भी नहीं होती। अतः इसलिए प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह यानी संकेत नहीं है। जिन पंडितों ने, पहले पंडित हुआ करते थे, पंडित का मतलब विद्वान, ठीक है, जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत भाषा में बनाए हैं वे यदि अनपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अनपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। देखिए यहाँ
द्विवेदी जी ने कहा है कि पहले ग्रंथ चला करते थे, जैसे तीन ग्रंथों का नाम यहाँ दिया गया है, गाथा सप्तसती ये ग्रंथ का नाम है, को रचना का नाम हो सकता है, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित, ये ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों की रचना हुई है प्राकृत भाषा में। क्यों? क्योंकि प्राकृत भाषा पढ़े लिखों की भाषा थी, शिक्षितों की भाषा थी, प्राकृत भाषा को पढ़कर लोग ऊंचे पदों पर जाया करते थे, सर्वसाधारण की भाषा थी। ठीक है, यदि इसे हम पढ़े लिखों की भाषा नहीं कह सकते तो आज जो हिंदी भाषा में प्रसिद्ध से प्रसिद्ध, महान से महान जो संपादक होता है, अखबार का संपादन करने वाला, उसे भी हम पढ़ा लिखा नहीं कह सकते, उसे भी हम सुशिक्षित नहीं कह सकते, उसे भी हम योग्य नहीं कह सकते, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। क्योंकि आज हमारी जो भाषा है कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक है, जो प्रचलन में है, अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत है। देखिए, हिंदी भाषा भी बोली जाती है, बांग्ला भी बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा भी, जो अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है वो प्राकृत में आती है, प्राकृत के अंतर्गत ही आती है। सौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की भाषाओं के अंतर्गत आप बात करें, जैसे हिंदी भाषा बोली जाती है आज, अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है, ठीक है, उसके साथ बांग्ला भाषा भी बोली जाती है आज, तो इन्हें हम प्राकृत भाषा कह सकते हैं। ये आज के जमाने की प्राकृत भाषा है, सर्वसाधारण भाषा है, सभी लोगों के, अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो पहले भी तो कुछ भाषाएं बोली जाती होंगी, जैसे पहले क्या बोली जाती थी, कौन सी भाषा? सौरसेनी है, ये भाषा का एक नाम है। मागधी, महाराष्ट्रीय और पाली उस जमाने की क्या थी? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य शिक्षित और पंडित विद्वान हो सकते हैं, हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर हम इस जमाने में हो सकते। ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है कि जिस प्रकार आज हम हिंदी भाषा पढ़कर विद्वान हो जाते हैं, ऊंचे पदों तक पहुंच जाते हैं, तो उस जमाने में भी प्राकृत भाषा पढ़कर लोग ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पदों पर जाया करते थे। फिर अब अंत में द्विवेदी जी फिर कहते हैं, अपनी बात पर बल देते हैं, अपनी बात पर जोर देते हैं, फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? इसका मतलब यह है कि यदि हम हिंदी भाषा को अनपढ़ भाषा का दर्जा नहीं दे सकते, अनपढ़ों की भाषा नहीं कह सकते, तो प्राकृत को हम अनपढ़ों की भाषा कैसे मान ले? जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम, देखिए जब नाटकों की रचना की गई थी उस समय आचार्यों ने, विद्वानों ने, पंडितों ने नाट्य शास्त्र संबंधी कुछ नियम स्थिर किए थे, नियम बनाए थे। उस समय क्या नियम रखा गया था, यह प्रश्न भी होगा। उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, यानी सभी लोग संस्कृत भाषा नहीं जान सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, नहीं लिख सकते थे, चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते थे या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का क्या कर दिया, नियम। प्रश्न क्या होगा कि आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम क्या बनाए? देखिए, जब आचार्य ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए तो कुछ गिने चुने लोग थे जो नाटकों में भूमिका निभाया करते थे, वो तो बोलेंगे संस्कृत। उसके अलावा जो जन समूह बच गया वो सभी कौन सी भाषा बोलेगा? प्राकृत भाषा बोलेगा। इसके बाद द्विवेदी जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहा है। ध्यान से देखिए अपनी किताब को। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। देखिए, आज की तरह हम मानते हैं कि विश्वविद्यालय नहीं था, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख का अर्थ होता है वर्णन। उल्लेख का अर्थ क्या होता है? वर्णन। देखिए, उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद करो। सबसे पहले उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद होगा उद्धरण लेख। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख यानी वर्णन आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। कहने का मतलब है कि हम इतिहास को उठाकर देखें और इतिहास में किसी स्त्री का नाम नहीं है, प्राचीन समय में पढ़ी लिखी थी लेकिन फिर भी नाम नहीं है, तो क्या हम उसे अनपढ़ कह सकते हैं? प्राकृत भाषा का कोई सबूत नहीं है तो क्या प्राकृत भाषा को हम अनपढ़ और गंवार की भाषा बता सकते हैं? हो सकता है कि जो पुराण है, पोथी पुराण, ठीक है, वो कहीं गायब हो गए हो, कहीं गुम गए हो, खो गए हो, तो इन सब कारणों के बाद भी हम उसको किसी भी
भाषा को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। उल्लेख उसका कहीं और हो, ऐसा उल्लेख जो हमें हाथ नहीं लगा हो, हमें प्राप्त नहीं हुआ हो, था तो सही लेकिन हमें मिला ही नहीं हो, तो न मिलने के बाद हम उसको दोषी थोड़ी मान सकते हैं, उन्हें गंवार और अनपढ़ों की भाषा थोड़ी बता सकते हैं। पर नष्ट हो गया हो, नष्ट भी हो सकता है, ठीक है। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, अब फिर से प्रश्न करता है वेदी जी विरोधियों से कि पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र, कि ऐसा कोई शास्त्र जो विमान उड़ने की जिन्होंने शिक्षा प्रदान की है। बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। द्वीपांतर का मतलब होता है एक द्वीप से दूसरे द्वीप के अंदर, यानी बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप के अंदर जाया करते थे। तो उनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ से पाई, जहाज बनाने की कला कहाँ से सीखी, विमान उड़ाने की कला कहाँ से सीखी, विमान बनाने की कला कहाँ से सीखी। तो कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में भी बेटा शिक्षा का महत्व तो था। दिखाइए जहाज बनाने के नियमबद्ध प्रणाली के दशक ग्रंथ पुराण आदि में विमानों और जहाजों द्वारा की गई यात्राओं के जो हवाले हैं, हवाले का मतलब होता है उदाहरण, देकर उनका अस्तित्व का मतलब होता है महत्व, तो हम बड़े गर्व से स्वीकार कर लेते हैं। परंतु पुराने ग्रंथों में उनके प्रगल्भ पंडिताओं, यानी जो प्रगल्भ पंडिता थी, जो विद्वान थे, या फिर हम इसका लिंग परिवर्तन करेंगे कि जो विदुषिया रही है, प्रगल्भ पंडिताओं का मतलब यहाँ विदुषियों से लिया गया है, जो पहले प्राचीन समय में पढ़ी लिखी हुआ करती थी, उनके नामोल्लेख यानी नाम का उल्लेख देकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन यानी उस जमाने की उस समय की स्त्रियों को मूर्ख अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इसका एक अर्थ समझ लीजिए। सबसे पहले बात कही है द्विवेदी जी ने कि प्राचीन जमाने में विमान उड़ते थे। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश करना कि पहले विमान भी उड़ा करते थे, बड़े बड़े जहाजों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप के अंदर भी जाते हैं। देखिए उस जमाने का लेखक रचनाकार द्विवेदी जी हवाला मांगता है, उदाहरण मांगता है कि इतिहास दिखाओ मुझे, कि उनकी जो कला सिखाने की या सीखने की जो बात थी, ऐसा कोई ग्रंथ दिखाओ जिसमें उनका बखान किया गया। देखिए बेटा उस ऐसा बखान कहीं नहीं मिलता है। तो लेखक अपनी बात को रखते हैं कि जब बात करें उन उदाहरणों की, उस इतिहास की, कि वो इतिहास नहीं मिल सकता, और उस इतिहास के न मिलने पर भी हम उसे स्वीकार करते हैं, तो प्राचीन जमाने की स्त्रियों को हम अनपढ़ और गंवार कैसे मान सकते हैं। कि बात आती है स्त्री शिक्षा की तो हम सबूत मांगने की बात करते हैं, और बात करते हैं पुरुष की तो हम उसके लिए कोई सबूत नहीं मांगते। कहने का मतलब है कि विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी स्त्री शिक्षा का विरोध करने के लिए, लेकिन द्विवेदी जी ने कोई बात नहीं छोड़ी उन विरोधियों के बुरे विचारों का खंडन करने के लिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले इस पेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बार समझ में नहीं आता दो बार समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगली क्लास में बताया जाएगा, तब तक आप अपने इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद।